लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के साथ कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। दो पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं के साथ साथ बीजेपी नेताओं पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिनकी सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। गौरतलब है कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसमें 134 महिला उम्मीदवार हैं, तो 1491 पुरुष कैंडिडेट हैं। राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें तो पहले चरण में बीएसपी के 86, बीजेपी के 77, कांग्रेस के 56, एआईएडीएमके के 36, डीएमके के 22, टीएमसी के 5, आरजेडी के 4, समाजवादी पार्टी के 7, आरएलडी के 1, एलजेपी की आरके 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम से 1 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सीटों में से बीजेपी 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 3 सीट और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती थी, जबकि 18 सीटें अन्य दलों को हासिल हुई थी। इस तरह से 2019 में यूपीए ने 102 सीटों में से 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। यही वजह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए पहला चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस तरह पहला फेज का चुनाव जितना बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के लिए भी। पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की निगाहें हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट की, जहां से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस के विकास ठाकरे किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 में नितिन गडकरी ने पहली बार 7 बार के सांसद रहे विलास मुत्तेमवार को 2,84,000 वोटों से हराया था। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नाना पटोले को 2,16,000 वोटों से हराया था। इस बार वो नागपुर से जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में उतरे हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से विकास ठाकरे को उतारा है। अब बात करते हैं अर्जुन राम मेघवाल की। राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भूपेंद्र यादव की। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट पर पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। भूपेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस से विधायक ललित यादव किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में यहाँ से बाबा बालकनाथ ने लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को उतारा है। यादव बाहुल्य सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों यादव उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट की, जहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मुजफ्फरनगर में इस बार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान घिर गए हैं। संजीव बालियान तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से जाट नेता हरेंद्र मलिक और बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बालियान जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार हरेंद्र मलिक और प्रजापति के उतरने से चुनावी लड़ाई काफी रोचक हो गई है। मुजफ्फरनगर में ठाकुर मतदाता नाराज बताए जा रहे हैं, तो जाट वोटों में बिखराव भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट है, ऐसे में संजीव बालियान की राहें आसान नहीं है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की। अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चुनावी मैदान में हैं। किरण रिजिजू 2004 से 3 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं और चौथी बार जीत के लिए चुनावी मैदान में हैं। किरण रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष नबाम तुकी से है। इसके चलते माना जा रहा है कि किरण रिजिजू को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं सर्वानंद सोनोवाल की।
असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने इस बार केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की जगह सर्वानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस से मनोज धनोवर चुनावी मैदान में हैं। देखना है कि डिब्रूगढ़ सीट पर सर्वानंद सोनोवाल क्या जीत का परचम फहरा पाएंगे। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट से वो लगातार दो बार चुनाव जीत रहे हैं और तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट पर मोदी सरकार के मंत्री और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके के बीच में कड़ा मुकाबला है। डीएमके से पूर्व केंद्रीय मंत्री एक राजा चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री रहे एल मुर्गन को उतारा है। ए राजा इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जबकि मुर्गन पहली बार नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई चुनावी मैदान में हैं। यहां उनका सामना डीएमके नेता गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके के सिंगाई रामचंद्रन से है। इसी तरह तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद कार्ति चिदंबरम का मुकाबला बीजेपी के टी देवनाथन यादव और अन्नाद्रमुक के जेवीआर दास से है। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उप राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तमिल ईसाई सौंदर्याराजन सक्रिय राजनीति में वापसी करते हुए चेन्नई दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में है। पहले चरण में पश्चिम त्रिपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देव कुमार की साख भी दांव पर है, जिनका मुकाबला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा से है। असम की जोरहाट सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर के कानून और शिक्षा मंत्री बसंत कुमार सिंह इनर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस उम्मीदवार बिमल अकोईजाम से है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छिंदवाड़ा से बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और उन्होंने 1980 के बाद से 9 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 29 में से 28 सीटें जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा पर विजय हासिल करने में चूक गई थी। बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली उत्तरी राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट पर दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी और बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार राहुल कासवा से है। राहुल कासवा ने टिकट न मिलने के बाद मार्च में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जिसके बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं और यही वजह है कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट की, जहां से योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से भगवत चरण गंगवार और बीएसपी से अनीस खान चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उतारा है, जिसके चलते सभी की निगाहें इस सीट पर लगी हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन हाई प्रोफाइल नेताओं में कौन चुनावी जीत हासिल कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।